एंड गाइज बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी वेरी क्लियरली टेल टू यू दैट इट इज ऑल अबाउट होल्डिंग योर नर्व्स जो एग्जाम के दो महीने होते हैं ना उसमें अपनी नर्व अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना होता है क्योंकि अगर माइंड के ऊपर कंट्रोल गया माइंड पे से कंट्रोल गया तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी तो माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है जितना ज्यादा माइंड के ऊपर कंट्रोल रखोगे उतना ही आपके लिए बेटर जो है वो रहेगा ओके

सबसे पहले इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के ऊपर आ जाओ काफी पॉपुलर प्लान है टर्म इंश्योरेंस प्लान का एक सबसे जो क्रिटिक था जो निकल करके अपने पास क्या आ रहा था कि उसमें पॉलिसी जब आपकी खत्म हो जाएगी जब आपका टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना ठीक है उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना जो आपने प्रीमियम पे करी है वो तक वापिस नहीं मिलेगी ठीक है सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है दो उसके अंदर जो प्रीमियम होता है वो चीप होता है ठीक है लेकिन एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान आपको क्या करेगा एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान आपका रिस्क तो कवर कर ही रहा है साथ ही साथ आपको एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली ठीक है तो अगर पर्सन की डेथ हो गई जिसने पॉलिसी ली है जो इंश्योर्ड पर्सन है अगर उसकी डेथ तो हो गई तो, तो तो उसको जो उसका कवरेज है उसका पैसा मिल जाएगा अदरवाइज इसके अंदर डेथ अगर नहीं होती है तो जब वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी उसके बाद द पर्सन विल बी गेटिंग द मनी बैक ठीक है चाहे वो विद uh, प्रॉफिट हो या विदाउट प्रॉफिट हो दैट कैन बी एज पर द रूल्स ऑफ द पॉलिसी विद प्रॉफिट के अंदर क्या हो जाता है कि आपको रेगुलरली बोनसेस वगैरह मिलते हैं जैसे आपकी इंश्योरेंस कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो वो बोनस देगी आपको कुछ होती है विदाउट प्रॉफिट विदाउट प्रॉफिट में क्या होगा कि भाई जितना आपने प्रीमियम पे किया है जो बेसिकली कंपनी ने आपको स्टार्टिंग में कमिट कर दिया आपको पॉलिसी देते वक्त वही पैसा आपको मिलेगा विद प्रॉफिट में आपको बोनसेज bon वगैरह मिलने के चांसेस रहते हैं ओके okay, जनरली जो एंडोमेंट पॉलिसी होती है इसकी ड्यूरेशन तीन साल से लेकर चालीस साल तक की हो सकती है पॉलिसी को आप सिंगल प्रीमियम में लो एनुअल प्रीमियम में लो हाफ ईयरली प्रीमियम में लो या मंथली प्रीमियम में लो बेसिकली एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान क्या हो गया यहाँ पर आपका एक इन्वेस्टमेंट वाला जो पॉइंट है वो आ जाता है जो आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर मिसिंग था अब मनी बैक प्लान क्या होता है ये एंडोमेंट प्लान का ही एक तरह का ऑप्शन है मनी बैक प्लान के अंदर क्या होगा जब आपका जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है वो पीरियोडिकल लिक्विडिटी एडवांटेज के साथ बेचा जाए तो उसको मनी बैक प्लान कहते हैं तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है आपको हर टाइम बाद थोड़ा थोड़ा पैसा वापस मिलता जाएगा हर टाइम बाद थोड़ा थोड़ा पैसा वापस मिल जा मिलता जाएगा ओके फॉर एग्जांपल अगर आपकी पंद्रह साल की पॉलिसी आपने ली और पॉलिसी में लिखा है कि भाई हर पांच साल बाद ना आपको वन थर्ड ऑफ द सम एश्योर्ट जो है वो वापिस मिलेगा फॉर एग्जाम्पल आपकी आ, पॉलिसी है दस लाख रुपए की या फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं कर लेता हूं कि भाई नौ लाख रुपए की आपकी पॉलिसी है ठीक है नौ लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ट है तो हर पंद्रह साल की पॉलिसी है हर पांच साल बाद आपको वन थर्ड अमाउंट मिलेगा इन टू वन बाई थ्री कर दोगे तो कितना मिलेगा हर पांच साल बाद आपको तीन लाख रुपए मिल जाएगा ठीक है आपको हर पांच साल बाद तीन लाख रुपए मिल जाएगा पहले पांच साल के एंड पे फिर दस साल के एंड पे और फिर बाकी का बचा हुआ पंद्रह साल के एंड पे आपको वो पैसा मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड मनी बैक प्लान ओके अब इसके अंदर भी विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट वाला ऑप्शन जो है वो रहता है ओके okay, तो बेसिकली हो क्या रहा है जो आपका सम एश्योर्ड है वो पीरियोडिकली आपको रिटर्न किया जा रहा है अब कोई पूछेगा कि सर फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉलिसी के पांच साल पूरे हो गए ठीक है और उसके बाद पॉलिसी के पांच साल पूरे होने के बाद आपको उसका वन थर्ड अमाउंट यानी कि लाख रुपए एज अ मनी बैक मिल भी गया ठीक है उसके एक दो साल बाद यानी कि सिक्स या सेवंथ ईयर के अंदर फॉर एग्जाम्पल या मनी बैक मिलने के बाद फॉर एग्जाम्पल जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है ठीक है इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका कवरेज उसको किस हिसाब से मिलेगा नाइन लाख का कवरेज था तो क्या ये तीन लाख रुपए डिडक्ट करके उसके बेनिफिशरीज को वो पैसा मिलेगा नहीं पैसा उसको पूरा ही मिलेगा अगर मनी बैक आने के बाद फर्स्ट मनी बैक आ गया फॉर एग्जाम्पल या सेकेंड मनी बैक आ गया लेकिन अभी पॉलिसी जो है वो ऑपरेशन में है अगर डेथ हो गई तब भी पैसा तो पूरा ही मिलेगा कवरेज का तो ये भी एक इस, इसके अंदर जो है वो फायदा रहेगा ठीक है सो इफ डेथ अकर्स एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड अ फुलश्योर जितने का एश्योरेंस है नौ लाख रुपए का वो पूरे का पूरा मिलेगा जो भी बोनस वगैरह वो सब मिलेगा उसमें फिर ये नहीं होगा कि भाई हमने तो तीन लाख रुपए मनी बैक दे दिया था तो हम बाकी का नहीं देंगे ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे होल लाइफ पॉलिसी की तो होल लाइफ पॉलिसी अगेन आपको नाम से थोड़ा सा आइडिया लग जाता होगा इसके अंदर पूरे लाइफ टाइम तक बेसिकली डेथ प्रोटेक्शन कवर्ड रहती है जनरली जो लाइफ टाइम यहाँ पर कंसिडर किया जाता है ज्यादातर पॉलिसीज में वो एट्टी फाइव की एज तक कंसिडर किया जाता है बेटा ठीक है की एज के बाद तो क्योंकि उसको फिर नेचुरल डेथ वाला सिनेरियो भी, अब देखो कोई भी ऐसा अमर होकर के तो आया नहीं है ना दुनिया में तो 85 के बाद बेसिकली ये कवरेज नहीं होती है 85 की एज तक ये डेथ प्रोटेक्शन कवर की जाती है लाइफ टाइम तक तो बेसिकली कौन लोग लेंगे जिनको चिंता है कि भाई परिवार है डिपेंडेंट्स हैं कौन देखेगा उनको हमारी अगर डेथ हो गई ओके So, इसके अंदर भी जो डेथ बेनिफिट है वो मिलेगा आपको इरेस्पेक्टिव की कब डेथ हो रही है ठीक है एक एज लिमिट है एट्टी फाइव उस, उस एज तक कभी भी डेथ हुई तो बेनिफिट जो है वो मिलेगा अब ये भी विद या विदाउट प्रॉफिट होती है वो ऑप्शन होता है जो इंश्योर्ड पर्सन है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो विद प्रॉफिट वाली लेता है या विदाउट प्रॉफिट अब ये जो होल लाइफ पॉलिसी होती है ना ये तीन टाइप की होती है एक होती है आपकी ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी फिर होती है आपकी लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी और तीसरी होती है आपकी एंटीसिपेटेड होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तीन टाइप की होगी ऑर्डिनरी लिमिटेड पेमेंट एंटीसिपेटेड होल लाइफ पॉलिसी ओके अब एक एक करके इनको समझते हैं ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी क्या हो गया इसके अंदर ना प्रीमियम पूरी जिंदगी भरनी है आपने थ्रू आउट द लाइफ जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है तब तक आपको प्रीमियम भरनी है इसके अंदर अब ड्यूअल फंक्शन हो गया ना एक तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है साथ साथ आपका पैसा भी सेव हो रहा है क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा इसके अंदर तो आपको पैसा वापस मिलेगा ठीक है बेसिकली इसका कोई एंड पीरियड नहीं है इस पॉलिसी का ठीक है जैसे कई पॉलिसीज होती है ना दस साल की भाई दस साल प्रीमियम भरनी है बीस साल की पॉलिसी है इस पीरियड पॉलिसी का कोई एंड पीरियड नहीं है अगर आप चाहो तो इसको सरेंडर कर सकते हो जब आपको जरूरत हो कि नहीं अब मैं पॉलिसी खत्म करना चाहता हूं तो आप इसको सरेंडर कर दोगे और जब आप इसको सरेंडर कर दोगे तो अब आप आपकी वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी ओके या आप इस पॉलिसी के बेसिस पे बैंक से लोन भी ले सकते हो तो बेसिकली प्रीमियम थ्रू आउट द लाइफ चलेगा और जब चाहो आप इसको सरेंडर कर सकते हो फिर होती है लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी अब इसमें लिमिटेड पेमेंट आ गया ना तो लिमिटेड पेमेंट का मतलब कि आपको पूरी जिंदगी पैसा पे नहीं करना है ठीक है तो प्रीमियम पेमेंट पैटर्न के अंदर डिफरेंस आ गया तो अल्टीमेटली अब देखो इसमें भी प्रोटेक्शन फॉर एग्जांपल आपको एट्टी फाइव की एज तक ही है लेकिन आप चाहते हो कि आप पूरी जिंदगी प्रीमियम ना भरो आप फॉर एग्जाम्पल चाहते हो कि बस आप बीस साल प्रीमियम भरो या भरोस साल प्रीमियम भरो तो उस हिसाब से कंपनी आपकी प्रीमियम कैलकुलेट कर लेती है अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये लिमिटेड है तो इसमें जो प्रीमियम का रेट होगा वो हाइयर होगा एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी ओके फिर आ जाती है आपकी एंटीसिपेटेड होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक टाइप का मनी बैक प्लान टाइप ही सिस्टम है इसके अंदर ठीक है इसके अंदर भी क्या है कि पीरियोडिकल इंटरवल्स पे आपको पैसा मिलता रहेगा ओके okay? अगर आप सर्वाइवल में हो मोड में तो आपको एक फिक्स टाइम बाद पैसा मिलता रहेगा फॉर एग्जाम्पल हर पांच साल बाद जितना आपका सम इंश्योर्ड है उसका दस परसेंट जो है वो आपको मिलता रहेगा एंड right? जब द द पर्सन विल डाय तो उस टाइम पर तो उसको पूरा जितने का इंश्योर था वो पूरे का पूरा मिलेगा ही उसमें फिर ये नहीं होगा कि हमने तुझे जो है सर्वाइवल बेनिफिट दिया था इसको सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं जो मैं 10% वाला आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना कि हर पांच साल बाद दस परसेंट आपको जितना आपका सम इंश्योर्ड है फॉर एग्जांपल दस लाख का सम इंश्योर्ड है ठीक है तो दस लाख का दस परसेंट कितना हो गया एक लाख तो हर पांच साल बाद एक लाख मिल जाएगा तो जब डेथ एक्चुअल में होगी तो क्या ये डिडक्ट होगा नहीं इसको डिडक्ट नहीं करना फिर वो पूरा दस लाख ही मिलेगा ओके सो दिस इज योर एंटिसिपेटेड होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें मनी बैक वाला फीचर आ जाता है ओके गाइस सो दीज वर द टू प्लान्स टू बी डिस्कस्ड टुडे एंड आई होप ये प्लान्स आपको क्लियर हो गए होंगे इंश्योरेंस के जो टॉपिक्स हैं बहुत जेन्युइन और बहुत जनरल से टॉपिक्स हैं इनको अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओके सो विल एंड दिस क्लास पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं आप लोगों ने शेयर भी करना है इसको एंड कॉन्टेक्ट के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप नंबर है मेल है कमेंट कर सकते हैं ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइस टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय